नमस्ते जी स्वागत है आपका तेस एवल्स में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं यू पी पी के प्रम्स के जो सी सैड क्वेश्चन बनते हैं खासकर इंडिया पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल प्लस थोड़े से डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन भी देखेंगे रीज़न ये है स्पेसिफिकली कवर का कर, कवर कर करने का ये सेक्शन क्योंकि पिछले दो तीन सालों से ये देखा गया है कि सी सैड टफ होता जा रहा है और बहुत ढेर सारे लोग हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं सी सैड को उसकी वजह से कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस क्यों ना कर रखे हों आपके जीएस के पेपर में वो कंसिडर नहीं होता है तो कोशिश करेंगे कि हम बड़े डिटेल में देखें हर एक एक्सपेक्ट को और ये हमें हेल्पफुल होगा एनी गिवन डे हेल्पफुल होने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन है एसोसिएशन रीजन से रिलेटेड और इसमें यह है कि फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं एसोसिएशन का सीड्स शुड बी ट्रीटेड विथ फंगीसाइड्स बिफोर सोइंग रीजन क्या दिया हुआ है विदाउट टेस्टिंग विथ फंग सीड्स डो नॉट जर्मिनेट तो ये तो कहीं से सही नहीं है स्टेटमेंट ठीक है तो ये डी आपका स्टेटमेंट सही होगा नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाई देयर टीचर्स और कंक्लूजन में कितने स्टेटमेंट तीन स्टेटमेंट दिए हुए देखते हैं कौन सा कंक्लूजन सही बैठता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स आर इन्फ्लुएंसड बाई इंटलेक्चुअलिटी स्टूडेंट्स कंसिडर देयर टीचर एज दे रोल मॉडल और थर्ड क्या है मस्ट टाइम ऑफ स्टूडेंट स्पेंड एट स्कूल तो नॉट नेसेसरीली ये कंक्लूजन बनता है तो वन एंड टू आपका आंसर हो जाएगा ठीक तो ये लिखा हुआ है आई इम्प्लिस इन द स्टेटमेंट नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ के आई एस एस इज अ कम्युनिकेशन स्टैंड फॉर इन कम्युनिकेशन स्टैंड फॉर तो इसका आंसर है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल ये अक्सर रिपीट किया जाता है क्वेश्चन ठीक है फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर एली सॉरी एमिटिंग द नेगेटिव सिग्नल्स ऑफ स्काउलिंग तो इसका आंसर होगा एनॉयस तो एमिशन ऑफ नेगेटिव सिग्नल्स ऑफ स्कॉलिंग इज ड्यू टू अनायस नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरपर्सनल रोल तो ये है आपके बॉस का बाकी ये फिगर हेड लीडर और लाइजें लाइसेंस जो होता है लाइजेंस जो होता है ये इंटरपर्सनल uh, रोल्स होते हैं नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डिस्प्लेइंग द पॉजिटिव पर्सनल सिग्नल्स ऑफ लीनिंग फॉरवर्ड तो इसका मतलब होता है कंसनट्रेशन ठीक <coughs> नेक्स्ट है विश मैन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिसीवर्स वीकनेस टाइप ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन तो इसका मतलब है ये उसका आंसर होगा प्रीजोडाइज तो एम्बिग्यूटी जारगन्स टाइम ये नहीं है तो नहीं लेकिन ये प्रीजोडाइज आपका रिसीवर्स वीकनेस टाइप है जो आपके कम्युनिकेशन में बैरियर इस्टेबलिश करता है नेक्स्ट है अर्सेशन रीजन पर देखते हैं अर्सेशन क्या दिया हुआ है इंटरपर्सनल रूल्स रिलेटेड रिलेट टू अ असन बिहेवियर डेट फोकस ऑन इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट तो रीजन क्या दिया हुआ है सच रोल्स आर डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द अथॉरिटी एंड स्टेटस तो ये आपका आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को और ए और आर दोनों सही हैं नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्पैथ एम्पैथिक लिसनिंग तो ये है बीइंग इवेलुएटिव तो किसी को आप इवेलुएट करोगे किसी को जज करोगे तो वो एम्पैथेटिक लिसनिंग तो हो नहीं सकती है ना कहीं से भी नेक्स्ट देखते हैं कि बैरियर टू कम्युनिकेशन देख रखा है सर और टाइप ऑफ बैरियर्स की बात की रखी है तो डायरेक्टली हम आंसर देखते हैं क्या है तो वैकेबलरी जो होती है वो लैंग्वेज होती है टाइप ऑफ बैरियर फिर आता है डिस्टेंस होती है स्ट्रक्चरल बैरियर में काउंट होता है हेस्ट जो काउंट होता है सरकस्टेंशियल बैरियर में काउंट होता है नॉइज जो होता है वो सिचुएशनल बैरियर में काउंट होता है इसको एक बार पॉज करके देख लीजिएगा आपको याद रहेगा नेक्स्ट देखते हैं डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ मोटिवेशन टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन डाटा रेफर्स टू तो इसका आंसर क्या होगा क्या रेफर करता है ये इंटीटिव डिसीजन मेकिंग रेफर करता है तो एक बार देख लेते हैं इंटीटिव डिसीजन मेकिंगस सॉरी इंटीटिव डिसीजनस आर टेकन बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ मोटिवेशन तो इंटिव कहने का मतलब जो आपको दिमाग में हिट कर रहा है इंट्यूशनस आ रही हैं वो उसके बेस पे जब आप डिसीजन लेते हैं तो किसका बेस होता है उसका तो वही होता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तो होता नहीं है इंटिव का ठीक है नेक्स्ट देखते हैं वन हु मेक्स शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस टू मेंटेन इक्विबेम इज कॉल्ड यह आपका है डिस्टर्बेंस हैंडलर ठीक नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द अवॉर्डिंग स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आंसर है नेगलेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टी बाई पोजिशन पोस्टोनिंग अ डिसीजन नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नीड टू एसोसिएट विथ अदर्स तो ये आपका है नीड फॉर इंक्लूजन नेक्स्ट आता है इन रेजोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द एम्फेसाइजिंग एरियाज ऑफ एग्रीमेंट एंड डी एमफेसाइजिंग एरिया ऑफ ओवर डिफरेंसिस इशूज तो इसका है आपका स्मूदिंग नेक्स्ट देखते हैं अ मैनेजर हु इज हेल्पिंग अ कस्टमर रिटर्न सम आर्टिकल डेट इज डेट ही परचेज अर्लियर इन डीलिंग विथ तो ये क्या बोला जाएगा प्रोग्रामड डिसीजन है ये तो बड़े क, मतलब कह सकते हैं बड़े ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं यहाँ पे आ, कुछ को आपको रट्टा मारना ही मारना पड़ेगा तो पी वाई क्यू से अगर देख के रट्टा मारते हैं तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है क्वेश्चन को क्वेश्चन के रिपीट होने की तो आ, ये देखते हैं चलिए क्या है आगे ठीक है तो यहाँ पर ये इस, इस साल का पहला साल ख़त्म होता है दो का हम नेक्स्ट ईयर मूव करेंगे नेक्स्ट है हमारा टू थाउजेंड थर्टीन की बात करेंगे क्वेश्चंस देखते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द फर्स्ट स्टेप इज तो ये है आपका इनकोडिंग डिफरेंट स्टेप्स होते हैं देख लेते हैं क्या इन्वॉल्व हैं स्टेप कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं तो इनकोडिंग पहला आता है फिर आता है ट्रांसमिशन आता है फिर रिसीविंग आता है डिकोडिंग आता है देन फीडबैक आता है तो ये पाँच स्टेप्स हैं इसको देख लीजिएगा फिर आता है फाइंड आउट द ऑड आइटम्स ऑड आइटम फ्राम द एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन गिवन बिलो तो ये आपका है मीनिंग ऑफ बिहेवियर ये है ऑड वन आउट ऑड वन है और कौन कौन से सही होते हैं तो एक्सेस प्रियोरिटी ऑफ टॉपिक्स एंड इंटरप्शन ये तीनों काउंट uh, किया जाता है एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन में और मीनिंग ऑफ ए बिहेवियर ये नहीं काउंट किया जाता है नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माफ कीजिएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन रिलेट कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तो ये आपका शाइनेस है बाकी सारे के सारे जरूरी होते हैं इमोशनल मेच्योरिटी असर्टिवनेस एम्पैथी ये सारे के सारे जरूरी होते हैं फिर देखते हैं कम्युनिकेशन that cuts across functions and level in an organization is diagonal communication the cross-functional communication between employees at different level of an organization is called diagonal communication next in which of the following patterns of interpersonal communication in an e communication an equality uh, sorry equality relationship is maintained but each person also has authority over डिफरेंट डोमेंस तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक uh, है तो इसका आंसर होगा द बैलेंस स्प्लिट पैटर्न ठीक तो uh, इस चीज़ को पॉज करके आराम से पढ़ के समझ लीजिएगा फिर आता है विच आर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन नेटवर्कस ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप कैन कम्युनिकेट ओनली विथ नियरेस्ट पर्सन तो कहने का मतलब है कि जब से पास वाला होगा उससे ही ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाओगे तो उसका है आपका चेन नेटवर्क चेन मतलब एक के बाद एक के बाद जो लोग जुड़े हुए हैं तो इमीडिएट जो लोग होते हैं उनसे ही कम्युनिकेट कर पाते हो और ज़्यादा दूर ज़्यादा दूर जो होंगे आपके उनसे आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे नेक्स्ट है वेन इंडिविजुअल्स फील दैट देयर बिहेवियर इज बींग रेस्ट्रिक्टेड दे रिस्पॉन्ड इन अ वे डैट कैन बी कॉल्ड एज ये आपका साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस ठीक नेक्स्ट आता है द डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल और नॉन पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप इज कॉल्ड ओपननेस ठीक है आपस में जब हरकी लेवल में वो नीचे का आदमी ऊपर से ऊपर का आदमी नीचे से कम्युनिकेट कर सकता है तो इसे हम क्या कहेंगे ये है आपका ओपननेस कहते हैं इसको नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपर्सनल स्किल्स इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग क्लोज रिलेशनशिप विद तो ये आपका आता है वॉल्टियरिंग हेल्प इन नीड ऑफ टाइम तो ये आपको हेल्प करता है किसी के साथ क्लोज फ्रेंडशिप मेंटेन करने में ठीक नेक्स्ट देखते हैं डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन देखते हैं पहले रीजन का कॉन्सेप्ट है देखते हैं क्या है असेशन क्या है पीपल एंड देयर प्रॉब्लम्स आर यूनिक रीजन क्या दिया हुआ है एक्टिव लिसनिंग कन्वेज समथिंग टू द पर्सन हु इज लिसन टू तो ये आर आपको एक्सप्लेन कर रहा है सो सॉरी ये आ, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर नॉट नेसेसरली एक्सप्लेन कर रहा है ए को तो इसका आंसर होगा ए फ देखते हैं एनी वेरिएबिलिटी इन द मैसेज रिसीव रिसीव्ड विच कुड नाट है सोर्स इज़ एट्रीब्यूटेड टू तो ये है आपका नॉइज़ ठीक है तो जो मैसेज रिसीव हो रहा है उसको प्रडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि किस सोर्स से आ रहा है ठीक है तो ये इसको नॉइज़ कहते हैं फिर आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और वेरिएबल्स की बात की गई है हम डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है वर्बल है ये इसमें लैंग्वेज फ्रिकेंसी वेरिएबल रखती है रिटर्न में कॉग्नेटिव एबिलिटी ठीक है सिम्बल्स में क्या होती है सोशल कल्चरल फैक्टर्स होती है फिर आता है फिजिकल जेस्चर्स क्या होते हैं इम्प्लाइड मीनिंग तो ये वेरिएबल्स हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है तो पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए फिर आता है मेनी ऑफ आवर डिसीजन आर इन्फ्लुएंसड बाई इरेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन ठीक है जैसे द प्रिसाइज वे इन विच द सिचुएशन इज़ प्रजेंटेड दिस फिनना इज कॉल्ड फ्रेमिंग तो ये भी आ, बहुत ही कह सकते हैं बहुत ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है तो मतलब एज इट इज जानना जरूरी है तो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए इसको नेक्स्ट है हमारा ये सारी के सारे सिचुएशन क्वेश्चन कर से तो सॉल्व हो सकता है इंटेंडेंट गोल्स ऑफ डिसीजन एंड व्हेन आउटकम ऑप्शन सच सिचुएशन इज कॉल्ड एमबीब तो ये तो बड़ी मतलब कह सकते हैं एमबीव का एक तरह से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो गया तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा बड़ा सिंपल है फिर आता है विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ग्रुप डिसीजन मेकिंग तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग के कौन कौन से होते हैं पहली बात ये देख लेते हैं तो मेंबर ऑफ ए इंक्रीज डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज सही बात है मेंबर्स लीड टू इंक्रीज एक्सेप्टेंस ऑफ सोल्यूशन ये भी सही है मेम्बर्स आर आर इफेक्टिव ये भी सही है लेकिन हमेशा एफिशेंट नहीं होते हैं तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग में ना एफिशेंसी घट जाती है So, कंसेंसस बिल्ड करके आगे बढ़ना पड़ता है ठीक है तो नेक्स्ट देखते हैं जजमेंटल ज़्ज्ञेंट स्टेटमेंट इन डिसीजन मेकिंग आर नोन एज तो ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं इसको एक इसका डेफिनेशन देखते हैं ह्यूरिस्टिक ऑन ह्यूरिस्टिक टेक्निक इज एनी अप्रोच टू तो प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट तो यूज अ प्रैक्टिकल मेथड एंड वेरियस शॉर्टकट्स इन ऑर्डर टू डिड्यूस सोलूशन डैट मे नॉट ऑप्टिमल बट एफिशियंट सॉरी सफिशियंट इन अ अवन और लिमिटेड टाइम फ्रेम इसको कहते हैं जुगाड़ ठीक है तो जुगाड़ समझिएगा इसको है ना तो एक तरह से हिंदी भाषा में फिर जाते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी को देखते हैं इस बार विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लास्ट स्टेप ऑफ रीजनिंग तो ये है आपका वेरिफिकेशन ठीक नेक्स्ट देखते हैं वेन अ कंक्लूजन इज यूजली एक्सप्रेस इम्प्लिसिटली और एक्सप्रेसिटली इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबलिस्टिक स्टेटमेंट इट रेफर्स टू तो इसका है आपका इंड्यूटिव रीजनिंग नेक्स्ट आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स तो स्टेटमेंट क्या है फिल्म आर इंडिस्पेंसिबल फॉर एंटरटेनमेंट कंक्लूजन क्या दे रखा है पहला है फिल्म आर ओनली मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट सेकेंड है पीपल इन्जॉय फिल्म थर्ड है पीपल डोंट लाइक प्लेज तो इसमें से आपका यही एक इंड्यूस मतलब एक कंक्लूजन निकल रहा है अगर स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो तो यहाँ पे हमारा ये वाला साल ख़त्म होता है नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं टू थाउजेंड फोटीन पर नेक्स्ट है हमारा टू थाउजेंड फोर्टीन के क्वेश्चन देखते हैं इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के तो ये आपका पहला आता है असेशन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है असेशन देखते हैं इंटरपर्सनल बिहेवियर इज मोस्टली पुस्ड बाई इंटरनल नीड्स रीजन क्या दिया हुआ है पीपल पुल बिहेवियर्स फ्राम ईच अदर्स टू तो इसका आंसर क्या है कि आर एक्सप्लेन्स ए एंड बोथ आर करेक्ट नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इंटरपर्सनल बिहेवियर आर मोस्टली पुस्ट बाई इंटरनल नीड्स बिकॉज बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर्स एंड दे पुल बिहेवियर फ्रॉम ईच अदर टू ठीक फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फैसिलिटेटर तो ये आका आता है आई कॉन्टैक्ट तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं येलिंग मम्बलिंग जारगंस आर डिफरेंट फॉर अदर टू कम अंडरस्टैंड ईच अदर देंस सॉरी माफ कीजिएगा मैं गलत पड़ गया येलिंग मंबलिंग जारगन्स आर डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड एक्ट एज अवियर दट एज अ बैरियर इन कम्युनिकेशन वेयर एज आई कॉन्टैक्ट फैसिलिटेट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दो दो बार गलत पड़ गए में माफ कीजिएगा फिर आता है इन कम्युनिकेशन प्रोसेस टू इन कोड मीन्स टू डाइवर्ट सिग्नल फ्रॉम न्यूरल इम्पलसेज तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस इन विच विच इन्वॉल्व सेंडर द मैसेज एंड द रिसीवर ठीक वॉट इज कंटेस्ट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन तो ये आपका था फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इन्वायमेंट फॉर कन्वर्सेशन नेक्स्ट देखते हैं पर्ल्स इफेक्ट रेफर्स टू तो ये बड़ा ही ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है देख लीजिएगा एक बार सुपीरियर सपोर्टिवनेस कंबाइंड विद एडिक्वेट अपवर्ड इन्फ्लुएंस तो आपके ऊपर के लोग अगर सपोर्ट करते हैं एट द सेम टाइम एडुक्ट अपवर्ड इन्फ्लुएंस हो रहा है ठीक है और सबसे रीजन का को क्वेश्चन देखते हैं रेगुलेटिव रेगुलेटिव रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन टेलर्स वॉट वी शुड एंड शुड नॉट डू रीजन क्या दे रखा है इन कम्युनिकेशन इट इज एसेंशियल टू स्ट्रक्चर एंड कॉर्डिनेट इंट्रेक्शंस तो आपका इसका बी आंसर है क्या है ये कि आर एक्सप्लेन ए और बोथ आर करेक्ट नेक्स्ट देखते हैं टू स्किल्स एसोसिएटेड विद बींग अ गुड लिसनर आर एबिलिटी टू तो इसका आंसर है टू पे अटेंशन एंड टू प्रोवाइड फीडबैक ठीक नेक्स्ट देखते हैं अ टेक्निक डेट माइट बी यूज बाई एन एक्टिव लिसनर इज टू पैराफ्रेज द स्पीकर वर्ड तो एक बार देख लेते हैं फॉलोइंग टेक्निक शुड बी यूज एज एन एक्टिव लिसनर तो एक्टिव लिसनर आपका जो क्वालिटीज हैं आपका कोई आप सुन रहे हैं किसी को बहुत अच्छे से तो कौन कौन सी क्वालिटीज का आती हैं टेक्निक्स कौन सी जाती हैं तो पैराफ्रेज करना जो आपका स्पीकर जो बोल रहा है फिर मिनिमाइज द बैरियर प्रिपेयर अ सेल्फ फॉर लिसनिंग प्रिपेयर ऑन सेल्फ फॉर लिसनिंग फिर आता है क्रॉस क्वेश्चनिंग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेन पॉइंट्स फिर आता है अवॉइड बींग जजमेंटल नेक्स्ट आता है है मैसेज message क्या होता अ कॉन्शियस सॉरी सिग्नल विच इज अब नॉइज लेवल ठीक फिर आता है इफेक्टिव लिसनिंग इंक्लूड्स तो ये आता है कन्फर्मिंग वन अंडरस्टैंड कन्फर्मिंग कंफर्मिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज ठीक नेक्स्ट आता है सम कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस आर गिवेन बिलो ठीक तो इसमें से हमें क्या करना है करेंट सीक्वेंस बनाना है तो हम एक बार डायरेक्टली देख लेते हैं करंट सीक्वेंस होता क्या है तो करेंट सीक्वेंस ऑफ गिवन कॉम्पोनेंट्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस पहले मैसेज आता है फिर मीडियम आता है और उसी मीडियम को नॉइज भी कंक्लूड करते हैं फिर रिसीवर आता है फिर फीडबैक आता है ठीक नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन आवर एप्रोप्रिएट वे टू कम्युनिकेट अदर्स तो इसका है आपका कम्युनिकेशन रूल्स आंसर है इसका नेक्स्ट देखते हैं इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एथिक्स को क्या कहते हैं इज वर्थ अंडरस्टैंडिंग ठीक तो इंटर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज अ ब्रॉड प्रोसेस ठीक वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स एंड प्रैक्टिकल एलिमेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इट इन कम्युनिकेशन टेक्निक सॉरी इन कम्युनिकेशन एथिक्स प्ले एन इन अंडरस्टैंडिंग द वैल्यूज एंड था एंड फुलफिल ट्रू गोल ऑफ कम्युनिकेशन ठीक नेक्स्ट आपका डिसीजन मेकिंग से तो पहला फॉलोइंग है तो नेगेटिव पर्सनल बिहेवियर के बारे में और रीजन के बारे में, बारे में बात की गई है तो एक बार देखते हैं वन हैंड ऑन बैक ऑफ नेक तो इसके बारे में डिसएग्रीमेंट की बात की जाती है नैरोइंग आई इसको क्या कहते हैं डिसअप्रूवल स्ट्रोकिंग नोज एक्सग्रेशन फिर आता है ग्लासेस रिमूवल एंड पुटिंग देम डाउन तो ये नो लॉन्गर लिसनिंग तो चश्मा निकाल के नीचे कर देते हो ना फिर आप बिहेव इस तरह से दिखाते हो कि आप सुन नहीं रहे हो उसको ठीक है नेक्स्ट आता है आवर टेंडेंसी टू इवेलुएट आवर ओपिनियंस ओपिनियंस एंड एबिलिटीज बेस्ड ऑन कंपैरिजन विद अदर पीपल एंड आवर प्रेफरेंस फॉर मेकिंग कंपेरिजन विथ अदर सिमिलर टू आवर सेल्फ इज नोन एज तो बड़ा ही लंबा चौड़ा है इसको तो पॉज कीजिए और समझिए और इसका आंसर है सोशल कंपेरिजन थ्योरी ठीक सोशल कंपेरिजन थ्योरी के बारे में बात हो रही है फिर तो आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट पढ़ते हैं द सिचुएशन इन दिस एरिया स्टिल कंटिन्यूज टू बी टेंस एंड आउट ऑफ कंट्रोल तो इस पर देखते हैं एजमशम्स क्या दे रखे हैं एजम्स दे रखा है कि देर आर देयर हैड बीन सम सीरियस इंसिडेंट्स पीपल विल नॉट गो आउट टू ऑफिस नॉर्मैलसी विल्स शॉर्टली तो ये दोनों चीज़ें अगर स्टेटमेंट की बात करें तो ये तो हमें नहीं पता ही ना नॉर्मलसी अगर शॉर्टली होगा कि बड़ा टाइम लगेगा है ना आने में तो वन एंड टू होगा वो इम्प्लिसिट होगा इसमें नेक्स्ट देखते हैं तो आता है इन डिसीजन मेकिंग जजिंग ऑफ सैम्पल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड रैंडम लुकिंग अपियरेंस इज़ नोन एज तो ये आपका है रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्योरिस्टिक तो ये थोड़ा सा इसको आराम से बढ़ लीजिएगा इन डिसीजन मेकिंग अ सैम्पल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड रैंडम लुकिंग अपीयरेंस ठीक है इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक्स. ठीक नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन सेटिंग अप अ वीक आर्ग्यूमेंट एंड अट्रीब्यूट इट टू समेट वन कैन नॉक इट डाउन ठीक जो कहते हैं स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट. ये भी बड़ा ऑब्जेक्टिव है है ना तो उसको पॉज करके आराम से स्ट्रॉन्ग एन ऑब्जेक्टिव कहते हैं फिर आता है मैनेजर्स स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आर गिवन बिलो ठीक है अरेंज देम करेक्ट सीक्वेंस एंड चूज द करेक्ट आंसर तो हम डायरेक्टली देखते हैं क्या है करेक्ट सीक्वेंस तो स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आर पहला है टू मेक डिसीजन यू मस्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम यू नीड टू सॉल्व फर्स्ट आता है गैदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कीजिएगा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फिर आता है डेवलप पोटेंशियल फिर आता है आइडेंटिफाई दिमिटिंग फैक्टर्स नेक्स्ट देखते हैं क्वानिटिव टेक्नीक फॉर डिसीजन मेकिंग दैट शोज अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ पोटेंशियल डिसीजन पाथ इज कॉल्ड डिसीजन ट्री नेक्स्ट आता है ऑल एक्सेप्टन ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट स्ट्रैटी डैट

सीज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर चॉयज इज नोन एज डिसम नेक्स्ट है आपका एयरस इन डिस बिकॉज वी यूज डिसीजन मेकिंग्यूरिस्टिक तो इसका आंसर क्या होगा विदाउट टेकिंग केयर ऑफ अदर एस्पेक्ट्स अरिस्टिक इज अ वर्ड ऑफ ग्रीक मीनिंग टू डिस्कवर ठीक तो ये याद रखिएगा तो इसी साथ ये ईयर खत्म होता है नेक्स्ट ईयर पर मूव करते हैं हम नेक्स्ट आता है हमारा 2015 चलते हैं स्कैम्स क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट आता है इंटरपर्सनल स्किल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेंडशिप इज रिलेटेड टू ऑर्गनाइजेशन इसका आंसर है विच आर ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डिस्प्लेइंग पॉजिटिव पर्सनल सिग्नल ऑफ लर्निंग फॉरवर्ड उसका आंसर है कंसनट्रेशन या रिपीट हो रहा है क्वेश्चन फिर आता है डांस डांस इज़ वेरी री रिफाइंड एंड आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ठीक फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इंटरपर्सनल स्किल आर डेवलप्ड थ्रू तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी देख लेते हैं इमिटेशन होता है आंसर आइडेंटिफिकेशन इंटरलाइजेशन लेकिन इंटरमिनेंट पनिशमेंट नहीं होता कभी भी फिर फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसीवर्स वीकनेस टाइप ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन तो इसका आंसर है प्रीजुडाइज ठीक फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेस्टर्स इज इंटरप्रिटेड एज अनफ्रेंडली तो उसका है स्टेयरिंग घूरना है ना in फिर आता uh, in है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फिर आता है आपका शाइनेस फिर शाइनेस देख ले शाइनेस कैन बिकम हर्डर इन बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एज ड्यू टू दिस अ पर्सन इज अनेबल टू एक्सप्रेस हिज व्यूज ओपनली विच मे लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द फर्स्ट स्टेप इज इनकोडिंग हम पहले ही देख चुके हैं तो इसका है इनकोडिंग मीडियम ट्रांसमिशन डिकोडिंग एंड फीडबैक फिर आता है कम्युनिकेशन दैट कट अक्रॉस कट्स अक्रॉस फंक्शन एंड लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डायग्नल कम्युनिकेशन हम पहले देख चुके हैं फिर है इंटरपर्सनल स्किल्स रिक्वायर डैट वन रिसीव इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन एनी लैंग्वेज फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेवेंट फैक्टर इन इंटरपर्सनल स्किल तो इसका है डाउटिंग द इंटेंशन ऑफ कलीग्स फिर आते हैं डिसीजन मेकिंग रीजन क्या है आर इज नॉट एक्सप्लेनिंग ए बट एट द सेम टाइम बोथ आर करेक्ट नेक्स्ट देखते हैं आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है शुड लग्जरी होटल्स बी बैन इन इंडिया आर्गुमेंट्स क्या है पहला देख लेते हैं यस yes. दे दीज आर प्लेसिस फ्रॉम वेयर इंटरनेशनल क्रिमिनल्स ऑपरेट सेकेंड है नो एफ्लुएंट फॉरन टूरिस्ट विल हैव नो प्लेस टू स्टे तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि ओनली आर्गमेंट टू इज स्ट्रॉग नेक्स्ट है इफ द गि स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू विच द विच ऑफ द टू कंक्लूजन वन एंड टू विल फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट तो पहला देख लेते हैं समस् मिनिस्टर्स आर टीचर्स सेकेंड है ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स तो कंक्लूजन क्या दिया हुआ है सम मिनिस्टर्स आर स्कॉलर्स एंड सेकंड क्या है ऑल स्कॉलर्स आर टीचर्स तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज नेक्स्ट देखते हैं दिस आईलैंड इज अ कॉलोनी हाव अवर इट इज एंड रिसीवर्स रिसीव्स नो ऑर्डर फ्रॉम मदर कंट्री तो इसका क्या होगा इट इज़ ऑटोनॉमस होगा ये थोड़ा सा इंग्लिश का मतलब कह लीजिए ज़्यादा कुछ इंग्लिश में है ना कि इतनी रीजनिंग का है फिर आता है टू ऑफ ऑफ टू फ्रेंड्स वन इज स्टडियस वन इज स्टूडियस एंड अदर इज स्टेज आर्टिस्ट ऑल्सो ठीक नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन है द नेक्स्ट डे इज देयर एग्जामिनेशन एंड द टू नाइट द फेमस ड्रामा हेमलेट इज बींग स्टेज वॉट विल टू डिसाइड अबाउट द एग्जामिनेशन एंड द ड्रामा तो इसका आंसर uh, क्या होगा बोथ ऑफ दैम विल एवॉड ड्रामा एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन दोनों मतलब पढ़ाई दोनों कर रहे हैं एग्जामिनेशन में है, भले कोई ड्रामा में आया फिर आर्टिस्ट परफॉर्म uh, करता है तो अपनी एग्जाम तो नहीं छोड़ सकता है ना अगर कोई प्ले देखने के लिए नेक्स्ट है वॉट इज द फैक्टर डेट इंटरफेयर्स विद इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग तो ये आपका है डिस्ट्रैक्शन ठीक तो इसी के साथ ये ये साल भी खत्म होता है हम नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं तो अब हम आ चुके हैं 2016 पे चलिए देखते हैं इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चन एन ऑफिसर हिज पेन ऑन हिज टेबल ड्यूरिंग मीटिंग दिस शोज हिज एंगर तो गुस्सा दिखा रहा है ठीक है इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ कम्युनिकेशन लीडरशिप रोल्स फर्स्ट एमर्ज तो पहला है आपका स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन पहले आता है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल ऑफ अ पर्सन टू वर्क विद अदर इज हिज एबिलिटी ठीक है नेक्स्ट है यूजली इन योर टॉक विद को वर्कर्स यू स्माइल ऑन करेक्ट टाइम ठीक है फिर आता है द मोड ऑफ कम्युनिकेशन डॉट इन्वॉल्व सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू अ लार्जर नंबर ऑफ रिसीवर इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन नेक्स्ट आता है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसिडर एज इफेक्टिव ठीक नेक्स्ट देखते हैं अ सर्कुलर कम्युनिकेशन द इनकोडर बिकम्स अ डिकोडर वेन देयर इज अ ऑडियंस अ ऑडियंस नहीं होगा ऑडियंस होगा बस ठीक है नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिकेशन और टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर कम्युनिकेशन ठीक है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इज एग्जाम्पल ऑफ लीनियर कम्युनिकेशन फिर आता है इन ओरल कम्युनिकेशन वॉट मैटर्स मोस्ट इज हाउ यू से इट ठीक द फोर मोस्ट बैरियर टू ओरल कम्युनिकेशन इज पुअर लिसनिंग फिर आता है इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन स्पीकर एबिलिटी टू यूज सिंपल लैंग्वेज ठीक द बेस्ट ऑप्शन इज टू द बेस्ट ऑप्शन टू स्टैब्लिश कम्युनिकेशन विथ योर पार्टनर एंड सबॉर्डिनेट इज इनफॉर्मल इंटरपर्सनल सॉरी इनफॉर्मल इंटर कम्युनिकेशन ठीक है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी देखते हैं वन ऑफ योर सीनियर ऑफिसर्स डज नॉट लाइक यू इट अफेक्ट्स योर डिसीज इट्स इट अफेक्ट्स योर वर्किंग हाउ विल यू मैनेज दिस सिचुएशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके साथ सिचुएशन में आता है तो ये आता है बाई टॉकिंग टू हिम प्राइवेटली ठीक है फिर आता है योर सबॉर्डिनेट रिक्वायर्स लीव बट योर ऑफिस वर्क विल बी अफेक्टेड ड्यू टू हिज एबसेंस बिकॉज की पर्सन ऑफ डैट वर्क तो यू शुड क्या होगा इसका आंसर क्या होगा मीट हिम डिस्कस वॉट अबाउट रीजन फॉर लीविंग वॉट सॉरी डिस्कस अबाउट द रीजन ऑफ फॉर लीव एंड ट्राई टू कन्विंस हिम द अर्जेंट नीड फॉर हिज प्रेजेंस ठीक है बात करेंगे कि क्यों लीव लेना चाह रहे हैं अगर आ, हो सके तो उसको अवॉइड कर दे और उसकी जगह पे एक दो दिन बाद ले ले अगर अर्जेंट नहीं है तो ठीक नेक्स्ट लिखते हैं विश वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर ट्रू अबाउट डिसीजन मेकिंग तो फर्स्ट एंड सेकेंड इसका सही है द एंड इट इज़ एन एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन ठीक सेकेंड क्या है इट मीन्स चूजिंग वन ऑल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव ठीक है तो ये दोनों इसका आंसर होंगे नेक्स्ट है समन सडनली स्टार्ट हाउलिंग ऑन यू वाइल बोर्डिंग अ बस यू विल क्या करोगे आप सेटल द प्रॉब्लम आफ्टर नोइंग द कॉज ऑफ हाउलिंग क्यों चिल्ला रहा है ये जानने की कोशिश करोगे और प्रॉब्लम को सेटल करोगे ठीक तो है क्या यू आर गोइंग टू परचेज मेडिसिन फॉर योर एलिंग मदर आफ्टर गोइंग समू फाइंड अ बॉय क्रस्ड अंडर अ फास्ट ड्रिवन व्हीकिल हुई टू एस्केप वॉट शैल यू डू अब क्या करोगे फिर आता है यू विल आंसर होगा यू विल इमिडियटली कैरी द इंजर्ड बॉय टू नियर बाइ हॉस्पिटल है फिर आता है प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद डिसीजन मेकिंग आर फियर एंड फॉल्स होप तो यू आर अ मेंबर ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ बिग बिजनेस हाउस यू विल नॉट सॉरी यू डू नॉट एग्री विद डिस ऑफ बोर्ड ऑन अ पर्टिकुलर इशू सो यू विल क्या करोगे आप इसका आंसर होगा यू पुट व्यू पॉइंट बोर्ड फॉर देर कंसिडरेशन ठीक इसी के साथ ये साल भी खत्म होता है नेक्स्ट पे मूव करते हैं नेक्स्ट आ चुके हैं हम टू थाउजेंड से चली क्वेश्चन देखते हैं विशन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिव कम्युनिकेशन वेकिल तो यह है बींग मोर पर्सनल ठीक है बींग मोर पर्सनल इज अ बैरियर इन पॉजिटिव कम्युनिकेशन वाइल इमीडिएट फीडबैक क्विक अचीवमेंट ऑफ सोल्यूशन एंड टनल विजन फेसिलिटेड पॉजिटिव कम्युनिकेशन फिर आता है विच रेमेडी इज यूज टू ओवरकम द डोज सॉरी द ओवरकम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ऑफ द नोड इन कम्युनिकेशन तो ये आपका है शॉर्ट सर्किटिंग फिर आता है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द टेक्निक्स फॉर नैरोइंग चॉइस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग आता है इन विच ऑलो फॉलोइंग वी मस्ट लुक टूवर्ड मेकिंग वॉट वी शुड डू इन अ कम्युनिकेशन इंट्रैक्शन तो यह आपका है रेगुलेटिव रूल तो रेगुलेटिव रूल गाइड द बिहेवियर ऑफ द कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेट वॉट अ कन्वर्सेशन नेक्स्ट है इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स अकर फर्स्ट ये आपका इनकोडिंग हम पहले ही देख चुके हैं फिर तो आता है नेक्स्ट है क्वेश्चन विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द स्किल दैट फैसिलिटेट इंटरेक्शन इन कम्युनिकेशन विद अदर तो ये आपका है सोशल स्किल नेक्स्ट है फॉलोइंग नॉट यूज टू डिनोट इंटरपर्सनल रिलेशन तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन स्किल को नहीं डिनोट करते हैं इंटरपर्सनल स्किल से रिलेशन से फिर आता है फॉर्मल गाइड गाइडलाइंस एंड अथॉरटी अथॉरटी हरार्कीज आर एग्जाम्पल ऑफ विच फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन तो इसका है कंट्रोल नेक्स्ट है इन कम्युनिकेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड आर तो यह है आपका यू एन वी फिर आता है नॉर्मल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स क्या इंक्लूड करता है जेस्चर्स पोस्चर्स एंड इमोशनल एक्सप्रेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ शेयरिंग इंफॉमेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल बेसिकली दे आर फोर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वर्बल नॉन वर्बल रिटर्न एंड विजुअल नॉन वर्बल इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशन पोस्चर गेस्चर आई कॉन्टैक्ट हैंड मूवमेंट्स एंड टच नेक्स्ट है फॉलोइंग टाइम कंज्यूमिंग सॉरी माफ कीजिएगा फिर से पढ़ता हूं मैं इसको कंज्यूमिंग इन इंटरपर्सनल रिलेशन ठीक है तो ये आपका ट्रस्ट बिल्डिंग टेक्स प्लेस जब ट्रस्ट बिल्डिंग होता है तो समय लगता है ठीक है नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन है नेक्स्ट देखते हैं फाइंड आउट एन ऑर्ड एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रपोज बाय साइमन तो ये आपका है आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी को ऑड वन आउट माना गया है बाकी तीनों तो उसके हिसाब से मतलब हॉर्बर्ट साइमन के हिसाब से जो मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग है थ्री तीन स्टेजेस में होती है वो है इंटेलिजेंस डिजाइन एंड चॉइस नेक्स्ट है मेंटल कनेक्शन बिटवीन द डाटा एंड कंक्लूजन इज कॉल्ड इंटरफरिंग सॉरी इनफरिंग माफ कीजिएगा इनफरिंग ठीक है नेक्स्ट है इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग इज मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस फीलिंग एंड एक्यूमेटेड जजमेंट तो ये हम देख चुके हैं पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेप इन द मेकिंग प्रोसेस तो इसका है डिसीजन इफेक्टिवनेस नेक्स्ट है एज अगेंस्ट यूजिंग एस्टेब्लिस्ड रूल इन रीजनिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व अनसर्टेटी ठीक नेक्स्ट देखते हैं अब स्टेटमेंट को कंसिडर करने के लिए बोल रहा है कोर्ट्स टेक टू लॉन्ग इन डिसीजन डिसाइडिंग इम्पोर्टेंट डिस्प्यूट ऑफ वेरियर वेरियस डिपार्टमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंगस ऑफ एक्शंस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट तो इसके हिसाब से दोनों ही हैं पढ़ लेते हैं कोर्ट शुड टेक प्लेस सॉरी कोर्ट्स शुड टेक स्पेशल मेजर्स टू स्पीड ऑफ डिसीजन स्पेशल पावर्स शुड भी गिवेन टू ऑफिस टू सेटल डिस्प्यूट कंसर्निंग देयर डिपार्टमेंट्स ठीक या था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंसाइट अकॉर्डिंग टू थ्री प्रोसेस व्यू ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग तो ये आपका है सेलेक्टिव स्टोरेज अकॉर्डिंग टू थ्री प्रोसेस व्यू ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग दे आर थ्री काइंड ऑफ इंसाइट्स तो आपका सेलेक्टिव कंपेरिजन सेलेक्टिव इनकोडिंग एंड सेलेक्टिव कॉम्बिनेशन नेक्स्ट है नेक्स्ट है अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक तो इसका आंसर होगा इनिशियल स्टेट गोल स्टेट ऑपरेशन एंड कंट्रोल नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन अनहेल्दी रिस्पॉन्स टू कंफ्लिक्टन तो इसका आपका आंसर होगा इन एबिलिटी टू सीक कॉम्प्रोमाइज ठीक है नेक्स्ट सेक्शन है लॉजिकल एंड एनाटिकल एबिलिटी देखते हैं क्वेश्चन क्या है सो फॉर ऑल मैन विथ होम आई हैव कम इन कॉन्टेक्ट आर सेल्फिश वाई शुड आई नॉट

विथ हिज मैनर ऑफ टॉकिंग इट इन्वॉल्व फैलेसी ऑफ इग्नोरेशियो इलेंची ये थोड़ा सा रिपीट हुआ है कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा और भी आएगा तो हम और इसको एक्सप्लेटरी वे में देखेंगे क्या होगा इसका मतलब फिर आता है वाइन कैन नॉट बी इंजीरियस टू हेल्थ फॉर इट इज फॉर इफ इट हैड बीन सो डॉक्टर वुड नॉट हैव प्रस्क्राइब इट इट इन्वॉल्व फैलेसी ऑफ एलिसट जनलाइजेशन ठीक नेक्स्ट आता है द इनिवर्सिटी ऑफ टें द यूनिवर्सिटी इज द टेम्पल ऑफ लर्निंग एंड देयर फोर पॉलिटिक्स हैज़ नो प्लेस इन इट इट इन वॉज फैलेसी ऑफ इग्नोरेशियो एल एनची ठीक नेक्स्ट देखते हैं थर्टीन इज वन नंबर एंड सेवन आर थर्टीन देयर फोर सिक्स एंड सेवन आर वन नंबर इट इन वॉज फेलेसी ऑफ डिवीजन ठीक नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी वैलिड वैलिडली ड्रॉन फ्रॉम गिवेन अ स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट क्या है एवरी लाइब्रेरी हैज़ बुक तो कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं नो लाइब्रेरी इज विदाउट बुक ठीक है no with, is फिर आता है ऑल वर्क ऑफ शेक्सपियर कैन नॉट बी रेड इन अ डे हेमलट इज़ अ वर्क ऑफ शेक्सपियर दर्फो हेमलोट कैन नॉट बी रेड इन अ डे तो इसका कौन सी फैलेसी इसका यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर डिवीजन फैलेसी का नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट ऑफ वॉर इज़ ड्यूरेबल पीस दे फो द सोल्जर्स आर आर द बेस्ट पीस मेकरस दिस इन्वॉल्व्स फैलसी ऑफ पैटिशियो प्रिंसिपी ठीक है तो बड़े और टर्म्स हैं लेकिन अब क्या करें पढ़ना है तो पढ़ना है तो इस तरह की अगर टर्म आपको देखें और पी वी एसर क्वेश्चन से आप रिलेट कर पाओ तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती अदरवाइज आप अपना जी एस छोड़ के इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने बैठोगे तो आपके पास उतना समय रहता है नहीं है आज के दिन में ठीक तो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं तो हम आ चुके हैं 2018 पे चलिए क्वेश्चंस देखते हैं इज इज नॉट नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस तो ये है आपका लाइफ वैल्यूज एंड विजन एक्सप्लेनेशन देखते हैं एवरी कम्युनिकेशन इज सिंपल इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस पर्सन और ग्रुप टू अदर प्लेस पर्सन और ग्रुप कॉम्पोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर Contest, sender, message, medium of transmission, receiver, and feedback. Next the biggest advantage of regular interaction between officer and subordinate is an organization. In an organization, is it facilitates effective decision making. Okay, advantage of effective communication between officer and a subordinate in an organization is that it closes the gap between superior and subordinate. which one of the following is not in included? क्लासरूम कम्युनिकेशन तो ये आपका आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्लासरूम कम्युनिकेशन हैज एट्रीब्यूट्स ऑफ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन साइलेंट कम्युनिकेशन एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन नेक्स्ट है फॉर विच पर्पज सर्कुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज सुटेबल। तो आंसर इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन नेक्स्ट है लिसनिंग कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस वी यूज टू मेक सेंस आउट ऑफ वॉट वी हियर नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज मीनिंग इट मेंट बाई कीजिएगा वॉट इज मेंट बाई रेस्पोंडिंग आंसर है इसका कन्फर्मिंग वॉट यू अंडरस्टैंड ऑफ अ कंफर्मिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ हॉजेंटल कम्युनिकेशन तो इसका आंसर होगा लेटल कम्युनिकेशन इसका आंसर है तो हॉजेंटल कम्युनिकेशन ऑल्सो कॉल्ड लेटल कम्युनिकेशन इन फ्लो ऑफ मैसेज बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑन द सेम लेवल लेवल ऑफ ऑफ सेम एन ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्मड एज वर्बल कम्युनिकेशन तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर शर्मा डिलीवर्स लेक्चर इन द क्लास तो ये एक्सप्लेनेशन हम पहले भी देख चुके हैं तो हम इसको स्किप करते हैं नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिकेशन थ्रू जेस्चर इज रिलेटेड टू ठीक इज स्टडी ऑफ द वे इन विच सर्टन बॉडी मूवमेंट्स एंड जेस्टर फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फिर आता है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन तो ये आपका रीडिंग इंटरेस्टिंग नॉवेल्स फिर आता है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द लास्ट स्टेप इज फीडबैक हम देख चुके हैं ऑलरेडी इज कम्युनिकेशन दैट यूज टू असाइन गोल्स टू सबोर्डिनेट इन इन एन ऑर्गनाइजेशन इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ठीक तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इन फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टॉप ऑफिशियल्स टू लोअर लेवल ऑफिशियल्स नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर इन अ वर्क प्लेस तो इसका आता है एक्टिव लिसनिंग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे देखते हैं which of the following characteristic is most important for taking appropriate decision for socially disadvantaged person तो इसका है empathy फिर आता है irrational decisions taken in a high conformity group is called group thinking फिर आता है which decision making style is most productive तो आपका है ये assertive तो ये ढेर सारे अभी आपके आगे लॉजिकल एंड एनालिटिकल जो कह कहते हैं कह सकते हैं एवल डी के क्वेश्चन होते हैं इसमें कुछ कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन को क्योंकि uh, क्या होता है रिपीट हो सकता है तो देख सकते हैं एवरी एवरी नावल ऑफ़ प्रेमचंद कैन बी रेड इन अ डे देयर फॉर द ऑल नावल्स ऑफ प्रेमचंद कैन बी रेड इन अ डे तो इट इन्वॉल्व फैलेसी ऑफ तो इसका आंसर है कंपोजिशन ठीक नेक्स्ट देखते हैं एसेशन रीजन पे है एजुकेशन इज मस्ट फॉर सक्सेस रीज़न क्या है एजुकेशन इज की टू सक्सेस तो इसका आंसर होगा ए ए आर एक्सप्लिंग एक्स एक्सप्लेन्स ए एंड बोथ आर करेक्ट नेक्स्ट है आयरन इज अ चीफ मेटल इज अग्ज एंड एग्जाम्पल ऑफ एक्सीडेंटल डेफिनेशन फिर आता है नेक्स्ट डिवीजन ऑफ चेयर्स इन टू लेक्स बैक एंड सीट इज एन इंस्टेंस ऑफ फिजिकल डिवीजन नेक्स्ट आता है सम लैंग्वेज आर डिफिकल्ट टू लर्न संस्कृत इज अ लैंग्वेज देयर फोर संस्कृत इज डिफिकल्ट टू लर्न इट दिस इन्वॉल्व फैलेसी ऑफ अन डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म ठीक नेक्स्ट है हमारा विच ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग विच ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्ट तो इसका आंसर होगा डी कुकिंग मेस्टिकेशन एंड डाइजेशन नेक्स्ट देखते हैं प्लांट इज अ वेजिटेबल इज एन ऑर्गेनिज्मल ऑफ तो इसका आंसर होगा सिनोनिमस डेफिनेशन तो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन हैं यहां पे एक चीज देखते हैं डिवीजन ऑफ इंडियंस इनटू रिच पुअर इंटेलिजेंट एंड डल इज एन इंस्टेंस ऑफ क्रॉस डिवीजन ठीक और ये बाकी सब आपके कह सकते हैं कि सिलोजिज्म टाइप के क्वेश्चन है तो अपने से आप सॉल्व करना सीखना पड़ेगा यहाँ पे बता के तो पॉसिबिलिटी नहीं है उसको नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं हम नेक्स्ट है 2019 अब हम देखते हैं क्वेश्चन इंटरपर्सनल इन कम्युनिकेशन स्किल के फिर द स्टडी ऑफ टेम्पोरल कम्युनिकेशन इज नोन एज क्रोनामैक्स क्रोनामैक्स कहते हैं इसको ठीक है गोल्डन रूल इज बेसिक टू एवरी सिस्टम ऑफ एथिक्स एवर डिवाइज एंड एवरी वन एक्सेप्ट इट इन सम फॉर्म ऑफ और अदर इट इज देयर फॉर अनडीनाइबल साउंड मोरल प्रिंसिपल तो ये फैलेसी ऑफ क्या है आर्गूमेंटल एंड पॉपुलम नया कॉन्सेप्ट है ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट है विच ऑर द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल फॉर एस्टिमेटिंग एस्टिमेटिंग्स द सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स ऑफ एनी डिसीजन तो ये आपका एसेसिंग एंड एसेसिंग यूटिलिटी है नेक्स्ट है तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका रूल्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्स रिप्रेजेंटेटिवनेस फिर आता है सेकेंड अवेलेबिलिटी एंड थर्ड है एडजस्टमेंट फिर नेक्स्ट आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग स्टाइल लो टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी इज फाउंड तो आपका ये है डायरेक्टिव स्टाइल नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन एज इंट्रैक्शन पर्सपेक्टिव फीडबैक इज समटाइम्स अन इंटेंशनल तो कम्युनिकेशन इज सिंपल इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वर्स्ट प्लेस ये तो हम देख ही चुके हैं डेफिनेशन इसका तो so, ये थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है सेंडर एनकोडिंग मैसेज डिकोडिंग एंड रिसीवर के बाद रिसीवर फीडबैक भेजता है और कभी कभी सेंडर के साइड से नॉइज भी आता है ठीक है या तो इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ग्रुप परफॉर्मेंस इज हायर डिसेंट्रलाइज नेटवर्क फिर नेक्स्ट देखते हैं वॉट आर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो ये मोरल मोरलाइजिंग बीन जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ कंकन्सोलेन तो एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज एज साइकोलॉजिकल बैरियर इमोशनल बैरियर फिजिकल बैरियर कल्चरल बैरियर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और एटीट्यूडनल बैरियर्स नेक्स्ट है अ ग्रुप एफर्ट ऑफ जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव आइडियाज दैट कैन हेल्प अ मैनेजर सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉमिंग तो ब्रेन स्टॉमिंग इज एन आइडिया आइडिया जनरेशन प्रोसेस अंडर दिस टेक्निक ग्रुप मेंबर्स आर इंकरेज टू जनरेट आइडियाज टू सॉल्व गिवन प्रॉब्लम नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैटराइज ग्रेप वाइन तो इसका आंसर होगा इट इज़ कंट्रोल बाई मैनेजमेंट तो देख लिथिंग ग्रेप वॉइन क्या है ग्रेप वाइन इज ए फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑपरेट्स बोथ इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इनफॉर्मल चैनल ग्रेप वाइन इंफॉर्मेशन फ्लो इज डिफरेंट flows in different directions it is governed by social and personal relationship rather than official recognized rule thus it cannot be controlled by management okay. next the contest of face-to-face -face communication is synchronous face-to-face -face communication is distinction of being able to see other party in communication we to consider the following statement regarding major function and functions of communication within group और ऑर्गेनाइजेशन तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा चारों के चार ही होंगे इट एक्ट इट एक्ट्स ऑफ कंट्रोल मेंबर बिहेवियर इट फॉस्टर्स मोटिवेशन इट प्रोवाइड्स इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग फिर आता है अनदर नेम ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज डाइडेडिक कम्युनिकेशन ठीक है एज पर कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइन्स एज रिलेटे टू इंट्रैक्शन बिटवीन टू पीपल नेक्स्ट देखते हैं इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन द फंक्शन ऑफ सोर्सिवर आर परफॉर्म बाई ईच इंडिविजुअल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द इंटायर प्रोसेस ऑफ प्रोसेस एंड प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज इंफॉर्मेशन एंड इवन इमोशनल एक्सपीरियंस डेट कैन बी शेयर बिटवीन टू इंडिविजुअल ठीक फिर कहता है विच टर्म इज यूज फॉर कम्युनिकेशन थ्रू कलर्स या कहता है क्रोमैटिक कलर्स आर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल विच ऑफर्स डिफरेंट वे ऑफ इंटरप्रटेशन ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस फिर आता है एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अदर्स इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस नैक्स्ट आता है वैन यू बिकम अदर ओरियंट अदर ओरिएटेड यू कंसिडर नीड्स मोटिवस डिज़ायर्स ऑफ अदर्स वाइल मेंटेनिंग योर ओन इंटीग्रिटी तो ये इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट देखते हैं एन ओवर एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन इन ऑल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज कंटेस्ट ठीक नेक्स्ट है विच आर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी हार्मफुल इन टर्म ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाई द ग्रुप मेंबर्स तो इसका आंसर है एक्सट्रीम कोहेसिवनेस नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक्सट्रीम कोहेसिवनेस इज अ हार्मफुल इन टर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग बाई ग्रुप मेंबर्स डेट न्यू स्टूडेंट से डेट आई एम हिज फेवरेट प्रोफेसर एंड ही मस्ट बी टेलिंग द ट्रूथ बिकॉज नो स्टूडेंट वुड लाई इन हज फेवरेट प्रोफेसर वुड लाई टू हिज फेवरेट प्रोफेसर तो इसका ये फैलसी कौन सा है ये है पेटिशियो प्रिंसिपी नेक्स्ट है विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर्स तो है प्रोक्सीमिटी यूटिलिटी एंड लोन चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर इज इन्फ्लुएंस बाई फैक्टर ऑफ प्रॉक्सिमिटी यूटिलिटी एंड लोन डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं द देंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज चूजिंग बिटवीन ऑल्टरनेटिवस फिर आता है द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज टू स्टैबलिश स्पेसिफिक गोल्स ठीक तो एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन सेवन मोस्ट एसेंशियल स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आर डिफाइन द प्रॉब्लम एनालाइजिंग द प्रॉब्लम सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव फिर से आता है वही एक, रिपीट कर दिया है नेक्स्ट है आपका इंप्लीमेंटिंग द डिसीजन फिर आता है फॉलोअप फिर आता है मॉनिटरिंग एंड फीडबैक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग टेक्निक स्ट्रक्चर्ड फॉर जनरेटिंग आंसर होगा नॉमिनल नॉमिनल ग्रुप टेक्निक नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंटल फंक्शन विच नॉट हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फंक्शनल फिक्सनेस ठीक है तो ये आप किसी जगह पे पर गणमुखम दिमाग बोते हैं गड़बुद्धि कर देना उसका यही होगा एक्सप्लेनेशन यही है कि एकदम गड़बुदि करके काम नहीं करना चाहिए नेक्स्ट मूव करते हैं ईयर पे तो अब हम आ चुके हैं 2020 पे चलिए क्वेश्चंस देखते हैं इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के तो आता है फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरपर्सनल बैरियर इन एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन तो पहला है एथनोसेंट्रिस सेंट्रिज्म तो ये क्या होता है एथनोसेंट्रिज्म इज अ बैरियर इन इंटरकल्चरल इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन बट इट इज़ नॉट अ बैरियर इन ऑर्गनाइजेशनल कम्युनिकेशन एथनोसेंट्रिज्म एंथ्रोपोलॉजी का बड़ा फेमस एक uh, कह सकते हैं टॉपिक है फिर कहते हैं हाइस्ट डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन ओपननेस इज़ फाउंड इन मेटा कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन ओपननेस इज द ईज ऑफ टॉकिंग टू ईच अदर एंड द एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग गेंड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डिफ्यूजिंग वर्बल अब्यूज ऑफ कोवर्कर्स तो ये आपका रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट हार्मुल लैंग्वेज नेक्स्ट आता है प्रो प्रोक्समिक्स इज रिलेटेड टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रोप्रोसमिक्स क्या होता है इज़ अ हिडन कॉम्पोनेंट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डेट इज़ अनकवर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट आता है द की एलिमेंट ऑफ ए फॉर इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज एक्टिव लिसनिंग नेक्स्ट आता है तो देख लेते हैं एक बार क्या है इसका एक्सप्लेनेशन बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन एन इज एन एसेंशियल स्किल और सम एसेंशियल स्किल रिक्वायर्ड रिपेयर्ड फॉर सॉरी रिक्वायर्ड होगा और इफेक्टिव रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर एक्टिव लिसनिंग कॉन्फिडेंस एम्पैथी ओपन माइंडेडनेस एंड फीडबैक नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड विद ऑर्गनाइजेशनल इकोलॉजी तो ये आपका आता है लेटरल कम्युनिकेशन नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पैरालिंग्विस्टिक क्यू इन कम्युनिकेशन तो उसका है टोनल पिच तो पैरालिंग्विस्टिक इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन आउट आउटसाइड ऑफ द वर्ड्स दैम सेल्फ द वॉल स्पीड इन टू नेशन ऑफ वॉइस नोशन ऑफ वॉइस अलॉन्ग विद द जेस्टर्स एंड अदर नॉन वर्बल क्यूज नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क देयर इज लाइवलीहुडेंस ऑफ ऑफ ए ग्रुप लीडर बट लोअर सेटिसफैक्शन अमॉन्ग देंबर्स ऑफ ग्रुप तो इसका है व्हील टाइप ठीक है तो इस तरह के जब कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर रहता है तब की बात हो रही है फिर अत्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस इन अपवर्ड कम्युनिकेशन तो ये आपका फिल्टरिंग नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ऑफ पॉजिटिव ये आपका है जजमेंटल ठीक नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर रिलेटेड टू नॉइजे ठीक है नेक्स्ट देखते हैं इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ मैसेज कैन बी चेक थ्रू फीडबैक तो फीडबैक हेल्प इन मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ मैसेज इन कम्युनिकेशन प्रोसेस नेक्स्ट आता है क्रॉस डिपार्टमेंटल कमेटीज आर आर द फॉर्म ऑफ लेटरल कम्युनिकेशन तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्रॉस डिपार्टमेंटल कमिटीज़ आर द फॉर्म ऑफ लेटरल कम्युनिकेशन एज लेटरल कम्युनिकेशन इज़ द एग्जाम एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एज आइडियाज़ बिटवीन पीपल विद इन ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट है दो लिस्ट दे रखे हैं और उसके बारे में हमें बात करनी है तो वो क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं तो ऑल मैन आर मॉडल ये क्या है यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन है नो मैन आर परफेक्ट ये आपका यूनिवर्सल नेगेटिव सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट यह है पर्टिकुलर अफर्मेटिव सम फार्मर्स आर नॉट रच ये पर्टिकुलर नेगेटिव इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो जरूर से देख लीजिएगा पॉज करके नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ जजिंग सम प्रॉब्लम सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिमिलैरिटी विथ वन इंकाउंटेड अर्लियर इज नोन एज ह्यूरिस्टिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस ठीक नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग समाइम्स हिंड प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग ये है आपका मेंटल सेट अ मेंटल सेट इज अ टेंडेंसी टू ओनली सी सिचुए सोल्यूशंस डेट है पास्ट पास विच आता है फिर नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग स्टाइल टेक्स लॉन्ग अर टाइम ये आपका एनालिटिकल स्टाइल समय ज्यादा लेता है नेक्स्ट आता है द प्रपोर्शन ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन अ पाई चार्ट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एंगल ऑफ सेक्टर नेक्स्ट देखते हैं डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं विच आर द फॉलोइंग रेफर्स टू द फ्रेमिंग इफेक्ट इन द कंटेस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग ये होता है द वे इन विच ऑप्शन आर प्रजेंटेड इनफ्लुएंस द सेलेक्शन ऑफ ऑप्शन नेक्स्ट है द टेंडेंसी ऑफ मेम्बर इन अ हाईली कोसिव ग्रुप टू लूज क्रिटिकल इवेल्यूटिव डिसीजन मेकिंग कपेबिलिटीज इज कॉल्ड ग्रुप थिंक नेक्स्ट है द डिसीजन मेकिंग स्टाइल डेट ओवरली कंसर्न विद कीपिंग एवरी वन हैप्पी इज कॉल्ड बिहेवियरल स्टाइल ठीक नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल फॉर एस्टिमेटिंग द लाइवलीहुड ऑफ आउटकम्स ऑफ एनी डिसीजन तो ये है असेसिंग यूटिलिटी नेक्स्ट है इन अ वैलिड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इफ टर्म इफ प्रडिक्टड टर्म इज डिस्टर्बड इन द कंक्लूजन दैन इट मस्ट बी डिस्टर्बड्रीब्यूटेड सॉरीड ये इसका आंसर क्या होगा एक बार फिर से पढ़ देते हैं क्लैरिटी के लिए कि इन अ वैलिड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिंगोस्िलोजिज्म इफ प्रडिक टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन दैन इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेजर प्रमाइस ठीक है तो एक बार पॉज करके फिर से पढ़िएगा समझ लीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्रोबेबिलिटी इन एन एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एन इंडिकेटिव आर्गूमेंट तो प्रोबेबिलिटी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एन इंडिकेटिव इंडक्टिव आर्गूमेंट इंडक्टिव है ये सॉरी फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकर्स गुड एट डिस्कवरिंग क्रिएटिव सोलूशन टू द प्रॉब्लम ये टेंट्स होगा तो इसका होगा सेकेंड ऑप्शन uh, क्या होगा सॉरी माफ़ कीजिएगा आंसर क्या होगा कंसेप्चुअल स्टाइल डिसीजन मेकरस नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल यूज ऑफ डेफिनीशन इज टू एलिमिनेट एम्बिग्यूटी आता है एनी वैलिड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिलोबिज्म विथ अ पर्टिकुलर कंक्लूजन एट टू यूनिवर्सल प्रमाइज विल कमिट द फैलसी ऑफ एग्जिस्टेंशियल फैलेसी तो इसी के साथ ये साल ख़त्म होता है नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं अब हम आ चुके हैं 2021 में चलिए क्वेश्चन देखते हैं फीडबैक इज यूज टू इफेक्टिवली मैनेज बिहेवियर एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का फॉर्म है ये ठीक है हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्या क्या अलग अलग उसके लेवल्स होते हैं नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक मैथड ऑफ इफेक्टिव बिहेवियर चेंज तो ये है आपका कम्युनिकेशन नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन एज म्यूचुअल ट्रांस ट्रांजेक्शन मॉडल इंटरेक्शन बिटवीन पीपल इज साइमल्टेनियसली इन इंटरेक्टिव ठीक नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पैरा लैंग्वेज ये है आपका वर्बल इंटरेक्शन बाकी तीनों जो हैं वॉइस क्वालिटी स्पीच रेट और पिच आपका इंक्लूड किया जाता है उसके अंदर तो एक बार देख लेते हैं पैरा लैंग्वेज क्या होता है पैरा लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज वोकलिक्स इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ मेटा कम्युनिकेशन डैट मे मॉडिफाई मीनिंग गिव मीनिंग और कन्वे इमोशंस बाय यूजिंग टेक्नो टेक्निक्स सच एज प्रोसोडी पिच इनो इंटोनेशन वॉइस क्वालिटी स्पीच रेट एक्सेट्रा नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिकेशन डेट सेव्स टाइम एंड फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड लेटरल कम्युनिकेशन ठीक नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव इफ इट इट इज

नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप इज लेटर कम्युनिकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस बारे में विद रेफरेंस टू द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो इसका पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है क्या देख देख लेते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज इफेक्टिव सही बात है एफिशियंट कम्युनिकेशन माफ कीजिएगा एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज एफिशियंट दोनों का दोनों सही है ठीक नेक्स्ट देखते हैं द मोस्ट फ्रीक्वेंटली साइटेड सोर्स ऑफ इंटरपर्सनल इज़ पुअर कम्युनिकेशन नेक्स्ट आता है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इम्फेसाइजेज ऑन द डायनेमिज्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ये आपका ट्रांजेक्शन मॉडल तो ट्रांजेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन रिफर्स टू द कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर बोथ द सेंडर एंड रिसीवर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एंड टेक टर्न्स टू कम्युनिकेट मैसेजेस ठीक नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्स्टेकल इन माइंडफुल लिसनिंग तो आपका ये है ड्यूअल पर्सपेक्टिव इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं प्री जजमेंट्स आपका आता है मैसेज ओवरलोड एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैसेज आर कंसिडर्ड एज सॉरी माफ कीजिएगा कंसिडर्ड एज एन ऑब्स्टेकल टू इन इफेक्टिव लिसनिंग नेक्स्ट है हमारा वॉट अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ एंड माफ कीजिएगा व्हाट अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग आवर्स इन इंगेज इज इंगेज इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तो ये बड़ा फैक्चुअली याद रखिएगा ये मतलब आप पढ़ के भी समझ के भी इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए फैक्चुअली क्या है इसका आंसर तो इसका आंसर है एट्टी से नाइन्टी परसेंट नेक्स्ट है कंट्रोवर्सी ऑलवेज इन्वॉल्व डिसएग्रीमेंट ठीक नेक्स्ट देखते हैं इन ऑर्डर टू स्टे सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ कॉम्पिटेंस

Typically, using all the original letter extract uh, exactly once. Theak? Next, the problem solving process is essentially an exclusion through problem space. The problem space refers to the entire range of components that exist in the process of finding a solution to a problem. Next, which one of the following is a version of divide and conquer strategy in problem solving? So, means

यूज ऑफ एनालॉजी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स मीन इसका मतलब क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स डेट वर यूज इन पास्ट सिमिलर सिचुएशंस नेक्स्ट है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एनालॉजी इज अ कागनेटिव प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन और मीनिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू अनदर नेक्स्ट आता है इन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग द प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इन टू इंटरनल मेंटल रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देख लेते हैं एक बार आफ्टर वॉचिंग अ फुटबॉल मैच बिटवीन टू पैरल टीम्स पर्सन इंसिस्ट दैट ही बिफोर हैंड न्यू डेट द पर्टिकुलर टीम सॉरी जो विनर टीम की बात हो रही है वॉज गोइंग टू विन तो एग्जाम्पल किस चीज़ का है ये हाइंड साइड बायस है ये ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट आई इन द कंटेस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्सनल प्रोबेबिलिटीज आर कॉमनली रेफर टू एज सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ठीक तो एक बार देख लेते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आर द टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटीज डिराइव फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स पर्सनल जजमेंट और ओन एक्सपीरियंसेस अबाउट वेदर अ स्पेसिफिक आउटकम इज लाइकली टू अकर और नॉट ठीक आता विद रेफरेंस टू डिसीजन मेकिंग विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट तो पहला देख लेते हैं ह्यूमन रैशनैलिटी इज लिमिटेड एनी इंडिविजुअल कैन इंप्रूव हिज डिसीजन मेकिंग थ्रू प्रैक्टिस तो दोनों के दोनों ही सही हैं नेक्स्ट आता है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एसोसिएटेड विथ तो इसका आंसर है डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसीजन मेकिंग शुड बी तो इसका आंसर है टू मेक बेस्ट चॉइस टू मेक द बेस्ट चॉइस नेक्स्ट आता है द ऑप्टिमल वे ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इसका आंसर है टू बैलेंस कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल थिंकिंग इसी के साथ ये साल खत्म होता है नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं और वो लास्ट ईयर होने वाला है हमारा तो अब हम आ चुके हैं 2022 पे और ये लास्ट ईयर होने वाला है हमारे डिस्कशन का और देखते हैं चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे सामने तो फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू लाइक वर्किंग दिस क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो इसका है एक क्लोज क्वेश्चन है नेक्स्ट देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अ प्रेस रिलीज तो ये है पब्लिक कम्युनिकेशन ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा ये डिस्पर्स है एक साथ नहीं है अरेंज नहीं किया हुआ है ट्वेंटी ट्वेंटी टू वाला तो हमें अलग अलग खोजना पड़ेगा क्वेश्चन को मार्क जो किए हुए हैं मैंने नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल लास्ट स्टेप इज सेलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा है वॉट आर द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल टेक्निक फॉर ग्रुप डिसीजन मेकिंग तो ये इसका आंसर होगा रिटर्न कम्युनिकेशन तो एक बार देख लेते हैं फ्यू ऑफ देम आर बेन स्टॉमिंग नॉमिनल ग्रुप टेक्निक इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग मल्टी वोटिंग डेफी मेट डेल्फी मेथड और डायलैक्टिक डिसीजन मेथड ठीक नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्किल ऑफ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन तो ये है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ठीक है नेक्स्ट है यू आर अ पुलिस ऑफिसर योर ड्यूटी इज असाइंड एट अ स्टेट फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डू यू हैंडल फर्स्ट तो इसका आंसर क्या होगा तो अडम्स्टर नेक्स्ट टू द मेन टेंट पवेलियन ऑन फायर तो अलग अलग सिचुएशन दिए हुए हैं उनमें किस में पहले अप्रोच करेंगे आप तो वो आपको देखना होता है एक बार अलग अलग ऑप्शन भी देख लेते हैं देर इज अ क्राउड फॉर्मिंग अराउंड टू टीनेजर्स ऑन गोइंग अनगूमेंट अ मेन ऑबियसली ड्रंक अ मैन ऑब्वियसली ड्रंक हैज पासड आउट एंड लाइंग बाई टिकट बुथ और फिर आता है अडमसर नेक्स्ट टू द मेन टेंट पवेलियन ऑन फायर देन आता है द फेरीज व्हील इन इज स्टक इन मिड एयर विथ People on it. तो इसके से जो आंसर दिया हुआ है उसके हिसाब से सी होना चाहिए रेस्ट आपका अपना इंटेलिजेंस है राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर तो इसका है सोशल आंसर होगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंडेंसी टू हैव मोर कॉन्फिडेंस इन जजमेंट्स एंड डिसीजन शुड इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन तो द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग कंसिस्ट ऑफ कितने स्टेजेस होते हैं ये है पांच स्टेजेस याद रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है जोसेफ डी हैज़ डिवाइडेड द लिसनिंग प्रोसेस इनटू फाइव स्टेजेस कौन कौन से हैं रिसीविंग अंडरस्टैंडिंग रिमेंबरिंग इवेलुएटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग पांच प्रोसेस है आपके सामने नेक्स्ट है नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस इन डिसीजन मेकिंग तो इसका है आंसर होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन तो चार स्टेजेस क्या क्या है प्रिपरेशन है इंक्यूबेशन है इलिमिनेशन है और लास्ट है वेरिफिकेशन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है अ टेंडेंसी टू फिक्सेट ऑन इनिशियल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एंकरिंग बायस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑप्शन इज इज आर टू बी फॉलोड तो ये स्टेटमेंट क्या है मनी इज अज मोटिवेटर कंक्लूजन दो है, देखते हैं क्या क्या है फर्स्ट है पीपुल गेट मोटिवेटेड ओनली वेन दे एक्सपेक्ट टू गेट सम मनी फॉर गोइंग फॉर डूइंग और बिहेविंग इन अ सर्टन वे ठीक है भाई नेक्स्ट देखते हैं देर आर सम फैक्टर्स अदर दैन मनी विच ऑल्सो मोटिवेट पीपल तो दोन इस आंसर के हिसाब से दोनों के दोनों गलत हैं ठीक है या दोनों के दोनों फॉलो नहीं करेंगे स्टेटमेंट को ठीक है नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग तो इसका आंसर होगा वन हैड इज बेटर दैन टू तो आंसर थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फीचर ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग इज आर एज फॉलोज जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिसीजन एक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप मेंबर्स कंसेंसस अमॉन्ग द ऑल मेंबर्स बेस्ड ऑन रैशनल थिंकिंग इन द इवेलुएशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल तो ये आपके सामने पाँच ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनको ध्यान देना जरूरी है नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर ये मतलब ऐसे तो देखा जाए कि डिसीजन uh, मेकिंग या फिर कह ले सकते हैं जो जो जिस सेक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं तो अरेंजमेंट क्या होने वाला है ऑलवेज जनरली समटाइम्स शेल्डम और फिर नेवर फिर आता है द ग्राफिकल टेक्निक टेक्निकेट कैन बी यूज टू रिप्रजेंट नॉमिनल डाटा आर तो ये बार चार्ट और पाई चार्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग कम्युनिकेशन आर नोन एज तो इसको noise कहते हैं, हैं हैं, हम कर चुके हैं इस बारे में. Next question देखते विच कम्युनिकेशन हैज एन इमोशनल अपील तो इसका आंसर होगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंगल ऑफ ड्रेस कोड कम्युनिकेशन आपका नॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर आता है जनरलिटी ऑफ सोलूशन स्टेप एक बार आंसर देख लेते हैं एक्सप्लेनिशन द प्रॉब्लम सॉल्वर आर एज मोटिवेशनल फैक्टर्स सेट वेरिएबल पासपीरियंस एंड प्रैक्टिस रीडिफाइन द प्रॉब दे हैव सिस्टम लिसन टू देयर इंट्यूशन दे सीक परमानेंट सोल्यूशंस नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो ये है आपका कलर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर स्टेटमेंट वन क्या है कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल स्टेटमेंट टू क्या है कम्युनिकेशन इज कॉन्स्टेंट दो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं फिर आता है व्हाट परसेंटेज ऑफ मैसेज ज इज रिस सॉरी माफ कीजिएगा परसिव्ड नॉन वर्बली तो ये फैक्चुअल है फिर से याद रखिएगा फिफ्टी फाइव परसेंट है ना तो नियरली फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ द मैसेज इज परसिव नॉन वर्बली ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिसीजन मेकिंग अकर्स एज ए रिक्रिएशन टू प्रॉब्लम डिसीजन मेकिंग अकर्स एज ए रिक्रिएशन टू प्रॉब्लम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट है हमारा इन डिसीजन मेकिंग क्वालिटी ऑफ चॉइज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय परसेप्शन ठीक नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइडली रिकोगनाइज एंड एक्सेप्टेड स्टाइल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तो इसका है आपका आंसर होगा एसर्टिवनेस फिर आता है विच ऑफ विच अप्रोच ऑफ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व सॉल्विंग अ प्रॉब्लम यूजिंग ट्रेडिशनल मीन्स तो ये आपका आता है रूटीन अप्रोच ठीक इसी तरह से हमारा ये पी वाई क्यू का जो डिस्कशन हमने किया ये वीडियो ख़त्म होता है होपफुली इस दस साल के पेपर को देख के थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा आप ढेर सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं कॉन्सेप्ट बेसिस पे हैं कुछ फैक्चुअल बेसिस पे हैं तो अगर आप वो वीडियो देख लें और रिवाइज़ कर लें ठीक है तो कम से कम आपका सी साइड वाला एरिया आपका सेफ़ हो जाएगा आप क्वालिफाई कर जाओगे और आप जो आप मेहनत कर रहे हो इतने दिनों से जी वाले पार्ट को वो फ्रुट्टिफाई होगा है ना तो क्वालिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है सी साइड में वीडियो देख लीजिएगा जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए रुक के उसको पढ़ लीजिएगा ठीक है तो उसके बारे में आपको एनालाइज करना और आसान हो जाएगा ठीक है तो चलिए है ना थैंक यू फॉर वॉचिंग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में